गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंशुल शर्मा, लेक्चरर फॉर बॉटनी इन एसवीयू पीजी कॉलेज वाला। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फ्लावर स्ट्रक्चर के बारे में कि फ्लावर होता क्या है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कशन किया था। यहां हम डिस्कस कर रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि रिलेटेड है उसी फ्लावर से, जिसे कहा जाता है इन्फ्लोरेसेंस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन। तो फ्लावर से बनने वाली इन्फ्लोरेसेंस की बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं, बट हम सिंपल डेफिनेशंस को डिस्कस करें तो हमारे लिए समझने में इजी रहेगा। फर्स्ट डेफिनेशन हम यहां देखें कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन एन शूट सिस्टम और फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। यानी किसी भी शूट सिस्टम पे जहां पर फ्लावर का डेवलपमेंट होना है, जिसे हम फ्लोरल एक्सिस भी कहते हैं, वहां पर फ्लावर का जो अरेंजमेंट है, फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है, उसे इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है, या ग्रुप ऑफ फ्लावर को हम इन्फ्लोरेसेंस शॉर्ट में कह सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन जो बनती है वो है कि फ्लावर्स का प्लांट के ऊपर अरेंजमेंट क्या है, उसे भी हम इन्फ्लोरेसेंस कह देते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चीज ये देखते हैं कि किसी भी इन्फ्लोरेसेंस के बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, यानी किसी भी इन्फ्लोरेसेंस के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो एक शॉर्ट डायग्राम के थ्रू हम ये जाने, जिस तरीके से कि ये शॉर्ट डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहां पर ये जो हम सर्कल्स या डार्क सर्कल्स या डॉट्स बना रहे हैं, इसे हम माने कि ये है फ्लावर्स, किसी भी शूट सिस्टम के ऊपर प्रेजेंट होने वाले फ्लावर्स, और ये इसका फ्लोरल एक्सिस है। तो ये क्या बन गए, ये हैं फ्लावर्स। अब इन फ्लावर को इस फ्लोरल एक्सिस पे कनेक्ट करने के लिए या शूट सिस्टम पे कनेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे कहा जाता है पेडिसिल। ये पेडिसिल बेसिकली क्या है, इसे कहेंगे हम शॉर्ट में स्टॉक ऑफ फ्लावर। इस पेडिसिल के जस्ट नीचे और इस फ्लोरल एक्सिस के जस्ट ऊपर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पेडिसिल के नीचे या फ्लावर के नीचे और फ्लोरल एक्सिस के जस्ट ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जिन्हें कहा जाता है ब्रैक्ट। अगर इन ब्रैक्ट और पेडिसिल या फिर ब्रैक और फ्लावर के बीच में ब्रैक के जैसे और दूसरे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, उन्हें कहा जाएगा ब्रैक्टियोल। और जहां पर सारे फ्लावर्स के पेडिसिल आके जुड़ रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा पिडंकल। तो पिडंकल क्या हो गया, स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। वापस हम एक बार रिपीट करते हैं कि किसी भी फ्लोरल एक्सिस पे जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट है, उसे हम कह रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो यहां जो ये डॉट्स बने हुए हैं, सर्कल्स बने हुए हैं डार्क, इन्हें हमने माना फ्लावर्स। इन फ्लावर को इस फ्लोरल एक्सिस पे कनेक्ट करने के लिए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे कहा जाता है पेडिसल। इस पेडिसल के जस्ट नीचे या फ्लावर के जस्ट नीचे कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जिन्हें कहा जाता है ब्रैक्ट। इन ब्रैक्ट के ऊपर और पेडिसिल के बीच में, या फिर ब्रैक्ट के ऊपर और फ्लावर्स के बीच में कुछ और ब्रैक्ट के जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जिन्हें कहा जाता है ब्रैक्टियोल। अब जहां ये सारे के सारे पेडिसल्स आके जुड़ गए इस फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पिडंकल। तो ये पिडंकल क्या बन जाएगा, स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट चीज, अब अगर ये पेडिसिल प्रेजेंट है तो फ्लावर कहलाता है पेडिसिलेट, और यदि ये पेडिसिल फ्लावर में एब्सेंट है तब फ्लावर कहलाता है ससाई।
इसी तरीके से हम ब्रेक के बारे में भी यही चीज देख सकते हैं कि यदि ब्रेक प्रेजेंट है तब फ्लावर कहलाता है ब्रैकिए, और यदि ये ब्रैक एब्सेंट है तब फ्लावर कहलाते हैं ई ब्रैकिए। नेक्स्ट, अब ये जो पेडंकल स्ट्रक्चर है, इस पेडंकल स्ट्रक्चर में भी दो मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट हैं। पहला मॉडिफिकेशन है रैकिस और दूसरा मॉडिफिकेशन है रिसेप्टेकल। अभी मॉडिफिकेशंस क्या है, यदि पेडंकल सिंपल है या फिर ब्रांच स्ट्रक्चर है तब ये पेडंकल रैकिस कहलाता है, और यदि ये पेडंकल फ्लैट है या फिर डायलेटेड स्ट्रक्चर है यानी चपटा स्ट्रक्चर है तब इस पेडंकल को रिसेप्टेकल कहा जाएगा। तो यह हमने जाना इन्फ्लोरेसेंस के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करते हैं इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स के बारे में। तो इन्फ्लोरेसेंस के बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स में तीन बेसिक टाइप्स प्रेजेंट है। पहला टाइप है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, या इसे हम इनडेफिनेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। दूसरा टाइप है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, इसे डेफिनेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। और थर्ड टाइप है मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम स्टार्ट करते हैं रेसिमोस या इनडेफिनेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस से। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जैसा हम इस डायग्राम से देख पा रहे हैं कि यहां पर मोनोपोडियल टाइप ऑफ ब्रांचिंग सिस्टम पाया जाता है। मोनोपोडियल ब्रांचिंग सिस्टम का मतलब क्या है, मोनोपोडियल ब्रांचिंग सिस्टम से हम ये समझते हैं कि हर ब्रांच एक ब्रांच में आगे जाके डेवलप होती है और वह ब्रांच आगे जाके नई एक ब्रांच का फॉर्मेशन करती है, यानी हर ब्रांच एक नई ब्रांच का फॉर्मेशन करेगी, एक से ज्यादा नहीं, उसे हम कहेंगे मोनोपोडियल ब्रांचिंग सिस्टम। मोनो मीन्स वन। इसी तरीके से इस रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर एक और चीज ये देखी जाती है कि यहां पर जो यंग फ्लावर्स है, देखिए अब इस डायग्राम के अंदर हमने यंग फ्लावर्स को शो किया हुआ है छोटे साइज से और मैच्योर फ्लावर्स को बड़े साइज से शो किया गया है, बड़े सर्कल से शो किया गया है। तो इस रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो यंग फ्लावर्स हैं वो सेंटर में या फिर एपिकल पोजीशन पे यानी ऊपर की तरफ उपस्थित हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, और जो ओल्डेस्ट या मैच्योर फ्लावर हैं वो बेस पे या फिर आउटसाइड पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस को रेसिमोस या इनडेफिनेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, यानी साइमोस या डेफिनेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जैसा हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो ब्रांचिंग सिस्टम है वो सिंपोडियल टाइप ऑफ ब्रांचिंग सिस्टम पाया जाता है। यहां सिंपोडियल का मतलब क्या है, सिंपोडियल ब्रांचिंग सिस्टम से हम ये समझते हैं कि हर ब्रांच दो नई ब्रांचेस में या दो से ज्यादा, यानी दो तीन या उससे ज्यादा ब्रांचेस में आगे जाके डेवलप होती है या डिवाइड होती है, उसे कहा जाता है सिंपोडियल टाइप ऑफ ब्रांचिंग सिस्टम। नेक्स्ट चीज, साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो यंग फ्लावर्स होते हैं या यंगेस्ट फ्लावर्स होते हैं वो बेस के पास यानी कि आउटसाइड पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने क्या देखा था, यहां जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है यहां पर जो यंग फ्लावर्स हैं वो सेंटर में या एपिकल पोजीशन में प्रेजेंट है, जबकि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर बिल्कुल उल्टी कंडीशन होती है, जो यंग फ्लावर्स होते हैं वो बेस पे या फिर आउटसाइड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से जो ओल्डेस्ट फ्लावर्स होते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर वो सेंटर पोजीशन में पाए जाते हैं, जैसा हम यहां देख रहे हैं
ये सेंटर में मैच्योर फ्लावर है, ओल्डेस्ट, ये भी ओल्डेस्ट है, ये भी ओल्डेस्ट है, इसी तरीके से ये भी ओल्डेस्ट, ये भी ओल्डेस्ट। तो ये साइमोस टाइप की इंक्लोजर्स है। एक चीज और हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि जो रेसिमोस टाइप ऑफ इंक्लोजर्स है उसका टर्मिनेशन यानी जो उसका फ्लोरल एक्सेस है उसका एंड पोजिशन पे कोई भी फ्लावर प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि साइमोस टाइप की इंक्लोजर्स में फ्लोरल एक्सेस का जो टर्मिनेशन है यानी जो एंड है वहां पर एक फ्लावर प्रेजेंट होता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है साइमोस और रेसिमोस टाइप की इंक्लोजर्स में। और जो थर्ड टाइप है इंफ्लोसेंस का उसे कहा जाता है मिक्स्ड इंफ्लोसेंस। इस मिक्स्ड इंफ्लोसेंस के अंदर जो रेसिमोस एंड साइमोस यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड टाइप ऑफ इंफ्लोसेंस हैं उन दोनों के ही टाइप की ब्रांचिंग सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। यानी रेसिमोस टाइप में क्या था मोनोपोडियल टाइप ऑफ ब्रांचिंग सिस्टम, साइमोस टाइप में क्या था सिंपोडियल टाइप ऑफ ब्रांचिंग सिस्टम। तो मिक्स्ड टाइप की इंफ्लोसेंस में दोनों ही टाइप के मोनोपोडियल एंड सिंपोडियल टाइप के ब्रांचिंग सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहां एक चीज हमने आज यहां डिस्कस की कि इंफ्लोसेंस के बेसिक टाइप्स क्या है, इंफ्लोसेंस का स्ट्रक्चर क्या है। अब लास्ट में इस चीज से हम कंक्लूड करते हैं कि जो ब्रैक हमने डिस्कस किए थे यहां पर इस डायग्राम के अंदर, इन ब्रैक्स के भी कुछ मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं या टाइप्स हम कह सकते हैं। तो ब्रैक्स के जनरली फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर 8 बेसिक टाइप्स या 8 बेसिक टाइप्स प्रेजेंट है, जैसे कि लीफी या फोलियेशियस टाइप, स्केली ब्रैक्स, स्पेथीलाइट ब्रैक्स एंड पिटोवाइट ब्रैक, एपिकैलेक्स, इनवोलकर, ग्लूम एंड कप्यूल। तो ये 8 टाइप के ब्रैक्स प्रेजेंट है किसी भी फ्लावरिंग सिस्टम में या किसी भी इंफ्लोसेंस के अंदर। तो यहां आज हमने इंफ्लोसेंस के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।